ये कलर में है क्या? अनफॉर्चुनेटली सुफियान का और जोहान का मटेरियल नहीं मिल पाया। शॉप पर आए हैं, आई होप सो यहाँ मिल जाए तुम्हें तुम्हारा कलर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नवजोग भरी छोटी सी दुनिया में। आज हम लोग है बॉम्बे में, जैसे कि आपको कल के ब्लॉग में बताए थे। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सुफियान, जरा बताना। हम जा रहे हैं सोर्सिंग करने, जो भी हमारे कपड़े हमको ईद के लिए बनवाने हैं। आप लोगों को बता, ईद आने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो गाइज, आप लोगों ने देख ही रहे होंगे कि ये जुलबाब जो मैंने पहनी हुआ है वो ऑलरेडी आ चुका है और सोल्ड आउट होने की कगार पे आ चुका है। yes, इस बार हम लोगों ने क्वांटिटी बनाई, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा है। गाइज, ब्लैक की क्वांटिटी मेरे को लगता है ना कि बनाना ही चाहिए, छह सात बना रहे थे, अब हमने सोचा 10-12 बनाए। yes. ठीक है, ताकि लोग जल्दी जल्दी खरीदे, क्या पता फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में 25-30 हजार पीस बनाए उसको, इंशाल्लाह। तो गाइज, अभी फिलहाल अभी तो हम लोग जा रहे हैं जोहान को नानी के हवाले करके, और जोहान सो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अभी अपने को जल्दी जाके आना पड़ेगा, बिकॉज अभी बज चुके हैं कितने, अरे 9:30 उधर देखो ना, 9:30 कितने बजे बोलो ना, बज रहे हैं अभी, 1 घंटे में वापस आने का है। यस, 1 घंटे में वापस आना, और हम लोग बॉम्बे में आए तो 3-4 काम पटाने हैं, बताओ। चलो लेट्स गो, देन आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ से शॉपिंग करने वाले हैं आज। ये देखो कितनी ट्रैफिक है, कितनी ट्रैफिक है। मुझे तो लग रहा है कि आज इम्पॉसिबल है हमारा 2-3 चीजें निपटाना। एक चीज निपट जाए उसके लिए भी 2 बार जाना पड़ सकता है गाइस, क्योंकि इतनी ट्रैफिक है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। कुछ बोला नहीं, टाइम हो गया 5:15, अभी पहुँचते अपने को 5:30 हो जाएंगे, उतरते उतरते 6 बज जाएंगे, और फिर यहाँ से निकल के वापस घर जाते जाते 6:30 हो जाएंगे, मतलब वही होगा, पहुँचे वापस घर चले। तो गाइस, मैं मार्केट आ चुकी हूँ एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं यहाँ पर आई हूँ। मनीष मुसाफिर खाना, और ये देखिए यहाँ पे सारे कुर्ते के मटेरियल्स, ड्रेसेस वैसे सब मिलते हैं। गाइस, हम लोग मार्केट आए थे ये सोच के कि निदा फैब्रिक बहुत इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं नहीं मिल रहा है। अरे यार, निदा फैब्रिक कहीं नहीं मिल रहा है, बोलते माराना बंद हो चुका है, और हम लोग को सब लोग यही बोल रहे हैं आगे वाले शॉप पे जाओ, दूसरे वाले शॉप पे जाओ। तो गाइस, मुसाफिर खाना में तो कुछ भी नहीं मिला, बोलते है कि जो निदा फैब्रिक है वो आना ही बंद हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई। और मैंने जब उनको पूछी कि ये वाला फैब्रिक आपके पास है, तो बोलते ये इम्पोर्टेड है, ये यहाँ पे नहीं मिलता है। बताओ, देख रहे हो गाइस, हम लोग इतने प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े बनाते हैं कि यहाँ पे मिलता ही नहीं है वो फैब्रिक। तो आप मार्केट में कहीं भी चले जाओ, ये वाला मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। अभी झूठ बोल के तो लोग बेच ही देते कि अरे हाँ ये वाला सेम ही है। हाँ, बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं रहती ना फैब्रिक की, लोग बोलते हैं हाँ सेम ही रहेगा, खरीद लेते। यस, इतनी सीढ़ियाँ चढ़वा रहे हो, कहाँ गिर जाओगे, बहुत गर्मी है भाई। बट फिर भी ये जो मैं मटेरियल पहनी हूँ ब्लैक में, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बट ये मटेरियल में इतना गर्म नहीं हुआ है मुझे, तो समझ जाओ। हमें ये मटेरियल मिला, ये कौन सा है चाचा? टिकटॉक सुफियान, बट टिकटॉक मटेरियल में नहीं बनेगा, ये थोड़ा स्ट्रेचेबल मटेरियल है ना। नहीं, नहीं, जरा देखो, जरा हमको ना एम्ब्रॉयडरी करानी है, और स्ट्रेचेबल पे एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी, क्या करेंगे? बट इसमें कलर नहीं है ना। नहीं नहीं, इसकी इसमें है, इसमें 6 कलर है। तो कोई बताओ ना मटेरियल जिसमें एम्ब्रॉयडरी कर सके, ये वाला मिलेगा क्या? ये वाला देखो, कलर नहीं मिलेगा, कपड़ा तो मिल जाएगा, कलर नहीं। बताओ कलर, कपड़ा बताओ, इसमें ये वाला बहुत पतला है ये। ऐसे में सिमिलर बताओ ना, अगर ये नहीं है तो स्ट्रेचेबल नहीं चाहिए। पर हाँ, क्या लड़कियों के नाम दे देते मटेरियल को। ये देखो गाइस, हमको मिल गई जुबेदा खाला, मान मान के सुफियान, हम लोग को मिल गया निदा फैब्रिक, जो चाहिए था कलर वो मिल गया। यस, एग्जैक्टली द सेम कलर। अभी ये अपने को पड़ा है 50 मीटर, तुम्हारे लिए जाएगा इसमें 4.5 मीटर। ये कपड़ा ही तुम्हारा कितने का है निदा? 1400 रूपए का। हाँ, और मेरा ऊपर भी और ज्यादा, 350 रूपए मीटर, 350 रूपीज 1 यार्ड। यस, और यार्ड को अभी कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो अब देखते हैं प्राइसिंग कितनी होती है। और उसके साथ साथ फिर उसके ऊपर जाएगा मेरे लिए जॉर्जेट जाएगा उसके ऊपर, फिर एम्ब्रॉयडरी जाएगी, फिर एम्ब्रॉयडरी जाएगी, बनते बनते इसकी कॉस्टिंग जाएगी 4-4.5 हजार रूपए। फिर उसको बेचते निकालेंगे तो नहीं, मेरे लिए बन रहा है, एक सिंपल बेचूंगी। अगर अपन अच्छा लगा, लोगों को पसंद आया, इंशाल्लाह फिर अपन प्रोडक्शन भी करें, प्रोडक्शन कर देंगे उसका इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट गाइस, हमने सुफियान और जोहान के लिए कुछ और मटेरियल लेना है, तो मेरी बात हुई है यहीं पर ही, यही फ्लोर पे तुम्हारे लिए भी मटेरियल मिल जाएगा, कॉटन में या रेयॉन में, तुम्हारा और जोहान का। कॉटन में सिलवाऊं मैं? हाँ, तो अगर तुमको और जोहान को थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना, लड़के लोग की तो ट्रेनिंग हो जाएगी, तुम्हारा उसका सेम मटेरियल ले लेंगे अपन। ये भी सही है। हम लोग आ चुके हैं कवर की शॉप पर, कि सुफियान मुझे अपना कवर बोल रहे हैं यूज करना, मैं इतने टाइम से लड़कों का कवर यूज कर रही हूँ, तो मैं लड़कों का कवर यूज कर रही हूँ, तुमने इतना महंगा कवर लिया तो वो, पर उसके अंदर क्या गया ना, उसमें मॉइस्ट छोड़ रहा है फोन, तब मुझे ब्रीदेबल मटेरियल चाहिए, ग्रू वाला लो, ग्रे वाला, ग्रे एंड ऑरेंज, कितना अच्छा तो लग रहा है। तो गाइज, हमेशा की तरह सुफियान ने मुझे नहीं दिलाया कवर, क्योंकि उनका कहना है कि ये सब फैंसी कवर्स है,
ना मैं तुमको सस्ते में दिला दूंगा। ये मेरे को सस्ते में नहीं दिला, फैंसी कवर काम नहीं आते। एक तो इसका फोन आधे से ज्यादा मेरे जेब में रहता है, इतने बड़े बड़े कवर मेरे जेब में जाते नहीं है, संभालेगा कौन उसको? अभी सब कवर है ना, पार्टी में काम आते, वन टाइम पहनो। आधा घंटा है इफ्तारी को, तो जल्दी से चलो और अपना कपड़ा ले लो। मेरे को लगता है अभी मेरा मटेरियल में नहीं मिलेगा, हम उन्हें अभी घर चलते नहीं क्योंकि ऑलरेडी सवा छह नहीं नहीं लेके चलो लेके चलो सारी बात जाते ना रस्ते में कर लेंगे। और यहाँ पे है तो सर इतने सारे और क्या चाहिए तुमको? तो पूछ लो यहाँ मिलता है क्या नहीं। जो मेरा कलर है वो दिखा रहे हैं मेरे लिए, जेंट्स के लिए। मटेरियल ऐसा नहीं चाहिए, कलर ऐसा चाहिए। सी लाइट है इसमें, मेरा कलर ही कितना अलग लग रहा है, देखो ना। मेरे को भी नहीं दिख रहा था, तो फिर चश्मा उतार दो। हो गया टाइम, हो गया टाइम। अरे मेरे को चश्मे में क्या है, मेरी नशीली आंखें दिखती नहीं। नहीं भाई तो बहुत अलग कलर है, बहुत ही अलग है। 19-20 नहीं है, ये तो 100-100 है, 10 और 20 है, 100 और 100 अलग अलग है। वहाँ पे भी नहीं मिला। अब जहाँ पे मैं सोच रही हूँ अपनी बाइक खड़ी की है ना, वहाँ ले लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, सुफियान को मिल ही नहीं रहा है कहीं पे उनका टाइम का मटेरियल। वहाँ चलना है, ये कलर में है क्या कपड़ा? नहीं कलर, हाँ यहाँ पे बहुत सारे कलर्स तो है, थोड़ा सेम है। हाँ सेम नहीं, बहुत सेम है। मिल गया भैया, मिला भैया, ढूंढ के ही निकालेंगे। बोले मैं बिना ढूंढे कपड़ा दूंगा नहीं वापस तुम लोग को। गाइस आप लोग को ये सेम दिख रहा है क्या? जरा देखो, मेरे को तो नहीं लग रहा है, मेरे को तो ये वाला ज्यादा सेम लग रहा है। तो गाइस दुकान वाले भैया इतने डेंजर है, बोले कि मैं ऊपर जा नहीं पा रहा, फिर ऊपर जाऊंगा नहीं मैं। ये देखो सेम है क्या नहीं? ये तो बहुत ही अलग है, जरा भी नहीं। सेम कलर तो मिल गया, बट मेरे को ये मटेरियल नहीं समझ में आ रहा नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये शर्ट का मटेरियल है। तुम्हारे से अच्छा जोहान है, बेचारा चुपचाप जो पहना पहन लेता है। तो वो तो पहनेगा ना अभी बेटा, उनको थोड़ा बड़ा तो फिर तुमको बताएगा वो कैसा कपड़ा खरीदना उसको। आई एम हर मदर। वाह क्या इंग्लिश है तेरे छोरी। वहाँ पे तो हम लोगों को सेम कलर मिल गया पर मटेरियल मुझे सेम नहीं मिला। वो मटेरियल ना गाइस ये सब कपड़े में ज्यादा चल गया, वो जो पाशा रहता है ना पाकिस्तानी पाशा। अबे पागल, तो तुमको ऐसा ही बनाने का है पाकिस्तानी पाशा? तो फिर ले लो वो मटेरियल, तुमको सही लग रहा है क्योंकि वो मटेरियल में गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि फॉल नहीं आएगा। मेरे को बॉडी पे ना फॉल बहुत अच्छा लगता है। फॉल वाले मटेरियल में तुम्हारा वो होगा एम्ब्रॉयडरी, तो फिर ले लेते वही, और क्या करेंगे। अनफॉर्चुनेटली सुफियान का और जोहान का मटेरियल नहीं मिल पाया और हमें ऐसे ही जाना पड़ रहा है वापस। और जो मटेरियल का कलर भी मैच कर रहा था, शॉप पे येलो ब्लू लाइट थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ मैच है, पर जब मैंने डे लाइट में लाके देखी तो वो जरा भी मैच नहीं कर रहा था, वो भी डार्क टोन जा रहा था। तो अभी हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि घर पे जाते हैं, पहले इफ्तारी कर लेते हैं, फिर इफ्तारी के बाद फौरन निकल जाएंगे। ने बहुत गलत जगह पे ले लिया है, ऐसा लग रहा है हम लोग इफ्तारी यहीं पे ही खोलेंगे, यहीं पे खोलना पड़ेगा तुमको इफ्तारी। गाइस देखो क्या एंड टाइम में सब लोग फ्रूट्स फ्रूट अरे भागो भागो इफ्तारी इफ्तारी है। अभी अभी मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा ये लड़के की वजह से। ए बेटा तुम बच्चे हो अभी बाइक चलाने में समझे, बचपन से डोंगरी गलियों में पैदा हुआ है बेटा। मम्मा जी रोड पाई दुनिया भिंडी बाजार पड़ा। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे आज के दिन पे, सबको निकलना था शॉपिंग करने। और अरे गाइस 6:31 हो गया है, 10 मिनट में इफ्तारी का टाइम है और हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं क्योंकि अभी तक हम लोग पाईदुनी पे अटके हुए, हम लोग को जाना नागपाड़ा। मैंने गलती से बोल दी थी सुफियान को कि आज मैं पूरा दिन व्लॉग लूंगी, सुफियान मेरे पीछे पड़ गए। अरे व्लॉग लो, अरे व्लॉग लो, अरे व्लॉग लो। अरे सुफियान मेरे को काम भी करना है, व्लॉगिंग भी करना है। आज बड़ी बात की ना कि आज पूरा दिन व्लॉगिंग मैं करूंगी, मेरा फोन यूज करूंगी, तुमको बोलूंगा ना मैं और मम्मी यहाँ पे कट रहे फ्रूट। ओहो मम्मी तुमने कर लिए सब, प्लेटों में लगा दे बेटा। हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, कर देती हूँ। और जोहान कहाँ है? जोहान सो रहा है क्या? अच्छा मेरा बच्चा यहाँ सो रहा है, उठा ही नहीं है माशाल्लाह, क्योंकि नानी ने जो मालिश किए थे आज। तो गाइस सोहान की मालिश कर रहे हैं नानी जान। ओहो क्या बात है। अच्छा हम लोग को मालिश वाली का खर्चा बच गया, मम्मी तुम कर लिया करो ऐसी मालिश हम लोग जब भी इधर आएंगे तो। और ये भी आ गया है स्कूल से, मम्मी ने एकदम तगड़ा मालिश की कि मेरी बेटी जाके शॉपिंग करके आए, तब तक ये उठे ना। आलू देगा भी सब रेडी कर दी, खाली ये सब उसमें ट्रे में निकाल दिया। ओके ओके डन डन डन। सुफियान के लिए वो बनाई हूँ सॉसी चिकन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं और बहुत सारे तलन की आइटम मम्मी ने बना दिए, थैंक गॉड। मम्मी मेरे को लगा तुम कुछ भी नहीं बनाएंगे। अभी सो गया था। हाँ बोलता मैं सोया था इसलिए मैं इसको सोने दिया, वरना मैं जगा होता तो मैं उसको जगा देता। सोने के बाद में तकिया लगा के सुलाई में मेरी एक लात मारे, इसने बच्चा खाने का मालूम नहीं पड़ेगा। दाती नहीं आ रही।
मैं वही देख रही थी तुमको कुछ बोले क्यों नहीं तुमने इसके बारे में। सुफियान बहुत ऑब्सेस्ड है अली को लेके और अली बहुत ऑब्सेस्ड है सुफियान को लेके। तो गाइस हम लोग फिर से निकल चुके हैं शॉपिंग पे और ये हमारा आज का पूरा सिलसिला वैसे ही रहने वाला है कि बाहर निकलो शॉपिंग करो फिर घर पे जाओ जोहान को थोड़ा सा देखो फिर बाद में निकलो फिर शॉपिंग करो एक एक घंटे के गैप में। तो ये सभी जोहान और सुफियान का हम लोग लेने आए हैं कपड़ा। एंड डू यू थिंक यहाँ पे मिलेगा अपने को? यहाँ पे तो मोस्टली बहुत सारे कपड़े मिलते हैं। हाँ यहाँ मिल जाना चाहिए, अगर यहाँ नहीं मिला तो फिर नॉर्मल कुर्ते वाले के पास जाना पड़ेगा अपने। मुझे एक ऐसी गली पता है यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ कुर्ते ये कपड़े मिलते हैं, तो वहीं जाते हैं अपन स्ट्रेट। ओके ओके। ये है वो गली, आप लोगों के लिए भी मैं बता रही हूँ जो लोगों को लड़कों का बनाना है। तो स्टार्ट में ये कुर्ते की शॉप्स तो यहीं देख लेंगे अपन। गाइस हम लोग एक शॉप पर आए हैं और ये कलर मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। 19-20 का फर्क मिल रहा है बट हमें 19-20 का फर्क नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी नहीं मिला तो अभी और भी एक दो शॉप्स है यहाँ पर देख लेते हैं। शॉप पर आए हैं, आई होप सो यहाँ मिल जाए तुम्हें तुम्हारा कलर। सिमिल आया आया कुछ तो आया। हाँ दिख तो नहीं नहीं भाई नहीं। लोग स्ट्रीट शॉपिंग भी करते हैं, ये हम लोग के लिए बहुत ट्रैवलिंग के लिए इजी रहता है ना सुफियान। बैग का वेट कम रहता है और सामान का वेट रहता है इसमें। स्ट्रेचेबल भी रहता है ना। हाँ कपड़े घुस घुस के आ गए कपड़े। फाइनली हम लोग को मिल चुका है हमारा एग्जैक्ट कलर। तो ये है वो कलर, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये पिंकिश टोन में जा रहा है, ये येलोइश टोन में बिकॉज इसमें शाइन है और ये मैट है थोड़ा, बट कोई नहीं हम लोग काम चला लेंगे। बस हमारा एम्ब्रॉयडरी मैच करना चाहिए और कुछ नहीं। मैच करना चाहिए मेन तो एम्ब्रॉयडरी। और बेचारे को अंदर नहीं आने दे सकते बिकॉज उन्होंने जूता पहने। सोचू ये कलर भी ले लूं इनके लिए बातचीत के लिए। तो जो हमारा जो कॉफी वाला खिमर और अबाया है मैं उसके साथ वो पहन लूंगी तो हम लोग दोनों ट्रेन कर सकते हैं। बट फिर जोहान के लिए भी सेम बनाना पड़ेगा कुर्ता, है ना? सेम ले लो 6 मीटर। फाइनली शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे वर्कशॉप पे। गाइस वर्कशॉप पे नहीं तो? अपने को बहुत सारा सामान लेने का फ्राइडे के लिए। क्या लेने गए? अपने को प्रयाग जाने का है। डोंगरी डोंगरी यस क्यूँ? वही सामान लेने के लिए। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे वर्कशॉप पे डिजाइन फाइनलाइज करने के लिए कि हमें ईद का जो कपड़ा है उसकी डिजाइन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर गाइस निदा बनवा रही है अपना। अगर इससे ज्यादा कर देंगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये। तो गाइस एक इशू हो गया है, हमारा फर्स्ट डे का जो आउटफिट है वो तो मैच कर गया है बट सेकंड डे का जो आउटफिट है उसमें हम लोगों ने गलत कलर लेके आ गए। हाँ मतलब मैंने आई मीन वही बोल रहा हूँ, बोली थी इट इज नॉट बैंगनी कलर, इट इज डिफरेंट कलर। बताओ कलर मैच कराओ, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। 19 और 20 का तो है ही नहीं फर्क। बट ठीक है मैं बोला कि ये कपड़ा भी रहने दो, कपड़े में बनवा के हम लोग अभी पहन लेंगे। रिसेंटली गाइस हमारा कुछ होने वाला है शूट एक और, एक आप लोगों को पता चलेगा गाइस वो चीज। ठीक है और हम लोग दूसरा कपड़ा लेने जा रहे हैं। दूसरा कौन सा मटेरियल लेने जा रहे हैं हम लोग? ये दो मटेरियल, ये मटेरियल लेने जा रहे गाइस क्योंकि हमें इस नेक्स्ट डे पहनने वाली ये वाला कलर। चलो ठीक है फिर देखते मिलते हैं कि नहीं। तो गाइस फाइनली सब कुछ हो गया है, मतलब सब कुछ एज इन 2 दिन का, मतलब ईद बातचीत का हो चुका है शॉपिंग और अभी हम लोग कपड़ा देने जा रहे हैं फिर से। जो सुफियान ने गलती से कुछ और लेकर आ गए थे और फिर हम लोग और भी बहुत सारे सामान लेना है जैसे फ्रोजन आइटम लेना है बिकॉज फ्राइडे को कुछ तो है गाइस समथिंग स्पेशल, तो उसके लिए थोड़ी बहुत यहाँ से तैयारी करके जा रहे हैं हम लोग। लेट्स सी। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर पे। रास्ते में व्लॉग लेने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला गाइस क्योंकि सामान इतना था और इतना लेट हो रहा था। हम लोग ऑलमोस्ट शहरी के टाइम पे गाइस पहुंचे हैं। तो अभी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। सारी शॉपिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह और अब गाइस आप लोग को सारे आउटफिट देखने मिलेंगे। ईद डे 1, ईद डे 2, ईद डे 3 तीनों दिन का हम लोगों ने ट्विनिंग तो अच्छा 3 दिन का करेंगे ना, पूरा थ्रीनिंग करेंगे गाइस हम लोग। तो आप लोगों को देखना बहुत मजा आएगी और डिजाइन जैसी जैसी बनेगी वैसी वैसी मैं आप लोगों को दिखाते भी जाऊंगा कैसी डिजाइन बन रही है। सो गाइस सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज। और गाइस एक चेंज है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना क्या चेंज है।